जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने सड़क निकासी व भूमि से जुड़ी कई समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम गर्ब्याल ने शहर गैस पाइपलाइन के कार्य को लेकर कहा कि HPCL द्वारा जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग को NOC देने में देरी हुई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि HPCL ने अपनी तरफ रिपोर्ट समय से नहीं दी। ऐसे में जल्द ही NOC जारी होने की उम्मीद है और तभी कार्य भी शुरू हो जाएगा। डीएम ने हाल ही में हुई बारिश को किसानों के लिए राहत की बारिश बताया। गौरतलब है कि बारिश की वजह से वनाग्नि पर भी असर पड़ा। डीएम गर्ब्याल ने यातायात की व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु सड़कों के चौड़ीकरण के प्लान पर काम करने की बात कही। वहीं बनभूलपुरा में चल रहे सीमांकन पर डीएम ने कहा कि रेलवे के अलावा रिवेन्यू और वन विभाग की टीम संयुक्त सर्वे इलाके में कर रही है। रेलवे के मैप से रिवेन्यू और वन विभाग की मैपिंग का मिलान किया जाना है। इस सर्वे की रिपोर्ट बुधवार शाम या हद से हद गुरुवार तक आ जाने की उम्मीद है। उसके बाद रिपोर्ट के तथ्यों के बारे में बैठक की जाएगी। जो PWD डिपार्टमेंट एक अभी सर्वे करा रही है कि फिजिबिलिटी उसकी होगी या नहीं होगी, तो जो शासन ने उनको धनराशि अभी सबमिट की है तो दी है, तो उसके आधार पर उन्होंने इस सारी चीज़ों को चेक करने के लिए देखने के लिए तो उनको उन्होंने एक सर्वे का काम अपना शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी वो काम कर लेंगे, उसके बाद जो भी रेमेडी हो के रूप में हम लोग काम कर सकते हैं उसको आगे करेंगे। क्या कुछ सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा या कुछ पार्किंग बनेगी? अभी बीच में हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी तो ऐसे पॉइंट्स हमारे चिन्हित हुए हैं जिसमें पुलिस विभाग ने भी अपना काम किया है और उन्होंने कुछ धनराशि की मांग की है डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो तात्कालिक रूप से जो काम जल्दी से जल्दी हो सकता है ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से यातायात में हर्डल पैदा हो रहा हो तो उनके लिए हम लोग धनराशि रिलीज कर रहे हैं। किस तरह से अभी सीमांकन का काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने भी चिन्हित कर रहे हैं, दूसरी जमीनें भी चिन्हित हो रही हैं? इसमें देखिए फॉरेस्ट की, रेलवे की और रेवेन्यू की एक ज्वाइंट टीम अभी वहाँ पर सर्वे कर रही है। जो स्टेटस रिपोर्ट हमें सबमिट करना है उसमें रेवेन्यू के मैप्स, आपके फॉरेस्ट के मैप और रेलवे के मैप्स के आधार पर एक ज्वाइंट सर्वे हो रहा है। तो इनिशियली कुछ दिक्कतें आई थी, जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो हमें नहीं मिले, लेकिन अब DGPS सिस्टम के माध्यम से वो सर्वे अभी हमारा स्टार्ट हो गया सुबह से और मुझे विश्वास है कि शाम तक या कल सुबह तक कुछ पूरी सर्वे कंप्लीट होकर हमारे सामने आ जाएंगे और उसके बाद फिर जो भी तथ्य होंगे उसको फिर अलग से हम रखेंगे। जितना पहले है या उससे कम या कुछ नहीं, उसमें देखिए चूँकि जॉइंट सर्वे है और इसमें जो रेलवे के मैप के आधार पर जो पहले सीमांकन हुआ था तो उसी का मिलान हम लोग रेवेन्यू मैप के हिसाब से और फॉरेस्ट मैप के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोई डिफरेंस नज़र आता है या परिलक्षित होता है तो उसके बारे में अलग से हम लोग फिर अपनी रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे। सर इसके अलावा बारिश बन रही है, आप लोग किस तरीके से? लेकिन देखिए वो कल परसों जो बारिश हुई है काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लगभग 12 mm के करीब तो हमारे नैनीताल में हुई है और मुक्तेश्वर में 10 mm के करीब बारिश हुई है, तो इससे थोड़ी राहत किसानों को मिली और जो वनाग्नि की स्थिति आ रही थी उससे भी हमें राहत मिली है। कई जगह पे फॉरेस्ट फायर भी अपना स्टार्ट हो गया था तो उससे काफ़ी राहत हम लोग को मिली है। सर बंद पड़ा है मार्ग है, अभी बंद पड़ा है? अभी तो चल रहा है उसमें और उसमें जो भी दिक्कतें फ्यूचर के लिए जो नया अलाइनमेंट उन्होंने भेजा उसके लिए शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही, और जो नए अलाइनमेंट के हिसाब से लगभग 2 किलोमीटर एक नई सड़क वहाँ पर प्रस्तावित की जा रही है क्योंकि फ्यूचर में जो फॉल्ट वहाँ पर डेवलप हुआ है वो फ्यूचर में और उसको धंसने की संभावना ज़्यादा है, तो बेटर यही है कि हम एक नया अलाइनमेंट पे जाएं, तो और इसी पे हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर कुछ बड़े कार्य जो हैं जिले में बेहद धीमी गति से चल रहे हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का हो, हाईवे का हो। कि जो एक तो तीन पानी से लेकर नरीमन चौराहे तक जो जिस सड़क के बारे में थोड़ा सा विवाद था कि जिसको फॉरेस्ट कह रही थी कि हमारी जमीन है या उनकी भूमि पे है और वो सड़क नोटिफाइड है, उसके सड़क के अगल बगल का जितना एरिया वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी। जब हम लोगों ने मीटिंग करवाई तो उसमें स्पष्ट हो गया कि वो रेवेन्यू की लैंड है, वो नोटिफाइड रोड नहीं है, तो उसमें कार्रवाई अब शुरू हो गई है, छपान की कार्रवाई अब चल रही है, तो अब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो गैस पाइपलाइन के बारे में आप कह रहे हैं तो उसमें ये स्पष्ट कह रहा हूँ कि
जो पीडब्ल्यूडी ने जितनी एनओसी इनको देनी थी वो इसलिए जारी नहीं कर पाए कि एसपीसीएल वालों ने उसको अभी तक सबमिट नहीं किया था। कल परसों ही हम लोगों ने मीटिंग ली तो उन्होंने कहा था कि हम एक दो दिन में उसको सबमिट कर देंगे, उसके दूसरे या तीसरे दिन में पीडब्ल्यूडी उसको एनओसी जारी कर देगी तो काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। गैस देखिए, जिस हिसाब से केसेस हमारे लगते हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। आप कोई जिस हिसाब से जो डेट हमारी लगती है उस पर जितने लोग आते हैं उसकी सुनवाई होती है। कई मैटर्स ऐसे हैं जिसमें एक पक्षी भी कार्रवाई हुई जो लोग उपस्थित नहीं हुए, तो ये कार्रवाई अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कर रहा है।